हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ा था और आज हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर हम OLE ऑब्जेक्ट, इसके अंदर QR कोड, मतलब हम अपने किसी भी मैटर को QR कोड में कैसे बदलते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि हम अपना खुद का QR कोड कैसे बनाते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वो सीखेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखें तो आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। चलिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंसर्ट में पेज ब्रेक से। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, अभी जो हमने मैटर टाइप कर रखा है ये मैटर हमारा पूरा एक ही पेपर पे प्रिंट होगा। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, फाइल और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं ये पूरा प्रिंट आउट एक ही पेपर पे होगा। वापस जाने के लिए यहाँ पर हमने क्लोज प्रीव्यू कर दिया। अब हम इसमें हमें क्या करना है, सपोज मुझे यहाँ से प्रिंट आउट अगले पेपर पे चाहिए तो अब हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और पेज ब्रेक। तो अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पहले पेपर पे सिर्फ ये मैटर रह गया और बाकी सारा मैटर नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब हम इसको वापस फिर से वहीं लेके जाना चाहते हैं तो हम एक बार इसको बैक स्पेस कर देंगे तो ये वहीं पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसलिए होता है, जैसे एग्जाम में हमें हर नया क्वेश्चन नए पेपर से करना होता है और हमने गलती से उसी पेपर पे कर दिया तो हम इसे बीच में पेज ब्रेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं मोर ब्रेक्स, इसमें यहाँ पे लिखा है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मुझे इस लाइन को नीचे न्यू लाइन में लाना है तो हम अपने कीबोर्ड में एंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन सपोज मुझे बिना कीबोर्ड की हेल्प ये करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट और यहाँ पे मोर ब्रेक्स और इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक पे करेंगे। तो अब ये मैटर हमारा नीचे आ गया, ठीक है। इसको वापस लाने के लिए कीबोर्ड में बैक स्पेस से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लिखा है इंसर्ट मोर ब्रेक्स और इंसर्ट कॉलम ब्रेक। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, पहले हम इस फाइल को अपने मैटर को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट ऑफ यहाँ पे कॉलम्स, इसको हमने यहाँ पे कर दिया फ्रेंड्स 3 कॉलम्स, और यहाँ पे जितना आपको गैप रखना हर कॉलम्स के बीच में, और फिर इसको ओके। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पेपर को 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, इस फाइल को फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो मैगजीन और न्यूज़पेपर होते हैं उसमें जो मैटर टाइप होता है वो कॉलम्स के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम है, जब ये पूरा भर गया तो उसके बाद ये मैटर उठ के अपने आप सेकेंड कॉलम्स में आ गया, और जब ये पूरा भर जाएगा इसका मैटर उठ के थर्ड कॉलम्स में आ जाएगा। लेकिन हम यहीं से चाहते हैं कि जहां पर ये बेस्ट लिखा है यहां से उठ के मैटर नेक्स्ट पेज पे चला जाए, जैसे पेज ब्रेक किया था कि वो बीच में से मैटर दूसरे पेज पे चला जाए। तो इसी तरीके से होता है कॉलम ब्रेक। देखिए कर्सर हमने यहाँ पे रखा इंसर्ट और फिर मोर ब्रेक्स और फिर इंसर्ट कॉलम ब्रेक। तो आप देख सकते हैं अब ये सारा मैटर उठ के नेक्स्ट कॉलम्स में आ गया। ओके फ्रेंड्स, और मुझे वापस वहीं ले जाना है तो हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस करेंगे तो फिर से वहीं आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से हम कॉलम्स को हटाए थे तो फॉर्मेट और फिर कॉलम्स, और यहाँ से हमने इसको कर दिया 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिर से एक ही कॉलम्स हो गया, मतलब वो कॉलम्स हट गया यहाँ से। अब हम यहाँ पर आते हैं इंसर्ट और फिर इमेज। तो हमने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया फ्रेंड्स, और जो भी हमें इमेज चाहिए हमने उस पर क्लिक किया और फिर ओपन। इसका साइज यहाँ से देखिए हम कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं बटन प्रेस करके, जब यहाँ पे ऐसी शेप हो जाती है माउस की, बटन प्रेस करके इस तरीके के साथ छोटा कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा जब हम इस मैटर को यहाँ रखते हैं तो इधर के लेफ्ट साइड का मैटर हट गया, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, पैरेलल हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसे जहाँ पर भी रखेंगे ये मैटर अपने आप इधर उधर एडजस्ट कर देता और बीच में इमेज आ रही हमारी। और अगर मुझे सपोज इसे हटाना है तो इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ आते हैं इंसर्ट और फिर चार्ट। इसके लिए हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम अपनी फाइल में कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर चार्ट, तो ये ग्राफ आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमें अपना ग्राफ मिल गया है चार्ट, लेकिन आपको लग रहा होगा ये चार्ट पता नहीं किस डाटा के आधार पे, कि हमें तो कुछ और डेटा के हिसाब से ग्राफ चाहिए था, तो वो भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे डेटा टेबल, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो जो चेंज हम यहाँ पे करेंगे तो वो इधर हमारे चार्ट ग्राफ में चेंज होता रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने महाराष्ट्र क्लिक के एंटर जैसे करूंगा तो आप देखेंगे जहाँ पर रोमन लिखा था वहां महाराष्ट्र आ गया। अब यहाँ पर हम और भी जो चेंज करते हैं वो भी चेंज होता चला जाएगा।
एंटर करेंगे तो आप देखिए यहां पे अब तमिलनाडु आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी आप यहां पर चेंज करते जाएंगे वो आपको चेंज होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसके अलावा यहां पर ये जो ग्राफ भी डिस्प्ले कर रहा है तो इन वैल्यूज के आधार पे कर रहा है। अगर आप इन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ये चार्ट भी चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर इस जगह की वैल्यू चेंज करता हूं, मैंने यहां पे 9 किया एंटर, तो आप देखेंगे अभी येलो कलर वाली लाइन ऊपर तक आ गई। यहां पर मैं एक बार और चेंज करके दिखाता हूं, मैं इसको यहां पे कर देता हूं 2.5 सपोज एंटर, तो आप देखेंगे ये नीचे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आप अपने तरीके से जो डाटा यहां पे डालेंगे वैल्यूज उस हिसाब से आपको दिखाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको रखना चाहते हैं परमानेंट, तो यहां इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर फाइल में, चार्ट हमारी फाइल में आ चुका है। और अगर इसे हटाना है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और उसको डिलीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचते हैं मीडिया और फिर यहाँ पर गैलरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोई भी इमेज ले सकते हैं, इसको आपको क्या करना है एक बार से बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करके दलाना होता है, मतलब माउस के बटन को दबा के खींचने को बोलते हैं ड्रैग करना। अब हमें इसे अगर हटाना है तो इसे आप या तो कट कर सकते हैं या डिलीट अपने कीबोर्ड से। इसमें और भी इस तरह से बहुत सारी शेप्स होती है इमेजेस, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं इससे। और आपको उसका साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ कॉर्नर से लाके इसको धीरे से बटन प्रेस करके खींचेंगे तो आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, यहाँ पर लाके बटन प्रेस करके हम ऐसे खींचेंगे ये साइज चेंज हो जाता है। अब इसको हटाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इंसर्ट और फिर मीडिया और यहाँ पे स्कैन। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे प्रिंटर लगा हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट पेपर को स्कैन करके यहाँ पे उसे इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। अब हम यहाँ पर आते हैं ऑडियो और वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी किसी फाइल में ऑडियो वीडियो फाइल को इंसर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑडियो फाइल है, हमने इस पर क्लिक किया और इसे ओपन। तो अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसको प्ले करने के लिए एक ये भी नीचे लाइन आ गई है बार। तो अब देखिए मैं प्ले करता हूँ तो आपको सॉन्ग से चलता हुआ भी सुनाई देगा। तो अब हमने इसे पॉज कर दिया, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसे हमने डिलीट किया नीचे से जो प्ले वाली लाइन है वो हट गई है। इसी तरीके से यहां पर मैं इंसर्ट पे क्लिक किया, मीडिया और फिर अभी सिंग करते हैं इंसर्ट मीडिया। अब यहां पर हम करते हैं वीडियो, एक वीडियो भी इंसर्ट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर हम इस वीडियो को ले रहे हैं, इस पर हमने क्लिक किया और फिर से ओपन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे फाइल में ये इमेज भी आ गई वीडियो फाइल्स। और इसके लिए भी यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए ये नीचे एक लाइन आ चुकी है प्ले, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पहले से पॉज बटन है, इसे पॉज कर दिया या स्टॉप, जो भी आप करना चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इस लाइन को इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे ये प्ले वाला लाइन अपने आप हट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतना दे देते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो जोर से देखेगा जिसमें हम यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट के अंदर और भी कुछ अच्छी बातें सीखेंगे जो शायद आपको पहले से ना पता हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। इसमें हमने पेज ब्रेक, मोर ब्रेक्स, ईमेल, चार्ट और मीडिया के बारे में सीखा और OLE ऑब्जेक्ट के बारे में, फॉर्मूला और QR कोड कि हम अपने किसी मैटर का QR कोड खुद कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।